हानी, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। परेशानी हो रही है। जानती हूँ, आई एम सॉरी, पर पहनना बहुत जरूरी है। पता है इसमें तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मॉम, हम जोकर लग रहे हैं। मैं अब ये मास्क और नहीं पहनने वाली। स्वीट हार्ट, ये अच्छा बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए प्लीज तुम अपना मास्क पहन लो। लगता है तुम लोग भी सरकार की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हो। क्या मतलब? इन बहानों से सरकार तुम्हारे अधिकार छीन रही है। कोई भी पॉलिटिशियन मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। देखा मॉम, ये मास्क कितना बकवास है, ये परेशान करता है, भद्दा लगता है, और ये हमारी आजादी छीन रहा है। हानी, तुम ये जो कुछ बोल रही हो वो गलत है। देखो बेटा, मास्क में थोड़ी परेशानी होती है और ये थोड़े अजीब लगते हैं, और कोई जबरदस्ती पहनने को बोले तो अच्छा भी नहीं लगता। पर जानती हो इससे भी बुरा क्या है, लोगों के छोटे छोटे काम भी इस लगातार फैलते वायरस की वजह से बंद हो रहे हैं, और लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, और उनके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। वो लोग जो इस वायरस से बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में अकेले इस बीमारी से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके परिवार को उनके पास जाने तक की इजाजत नहीं है, और लगातार काम करते करते हेल्थ वर्कर्स भी थक चुके हैं। उनकी ताकत जवाब दे रही है, और सबसे बुरी बात, ये वायरस अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है। देखो बेटा, भले ही मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी हो, पर इतनी सी कीमत चुकाकर हम सबको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे। वाह, इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं वादा करती हूँ मॉम, आज के बाद मास्क पहनने को लेकर कभी शिकायत नहीं करूंगी। थैंक्स मॉम। कैसी लग रही हूँ मैं? एक हीरो जैसी।